तारीख तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को गिरफ्तारी का आदेश देता है। शक्तियाँ। यह कानून सरकार को संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी की शक्ति देता है। नागरिकों की गिरफ्तारी संपादित करें। अगर सरकार को लगता कि कोई व्यक्ति उसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है तो वह उसे गिरफ्तार करने की शक्ति दे सकती है। सरकार को ये लगे कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने बाधा खड़ा कर रहा है तो वह उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है। साथ ही अगर उसे लगे कि वह व्यक्ति आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बन रहा है तो वह उसे गिरफ्तार करवा सकती है। इस कानून के तहत जमाखोरों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। इस कानून का उपयोग जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है। विदेशियों की गिरफ्तारी। अगर सरकार को ये लगे तो कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से देश में रह रहा है और उसे गिरफ्तारी की नौबत आ रही है तो वह उसे गिरफ्तार करवा सकती है। गिरफ्तारी की सीमा। कानून के तहत किसी व्यक्ति को पहले 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, फिर आवश्यकता अनुसार 3-3 महीने के लिए गिरफ्तारी की अवधि बढ़ाई जा सकती है। एक बार में 3 महीने से अधिक की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है। अगर किसी अधिकारी ने ये गिरफ्तारी की हो तो उसे राज्य सरकार को बताना होता है कि उसने किस आधार पर ये गिरफ्तारी की है। जब तक राज्य सरकार इस गिरफ्तारी का अनुमोदन नहीं कर दे तब तक यह गिरफ्तारी 12 दिन से ज्यादा समय तक नहीं हो सकती है। अगर यह अधिकारी 5 से 10 दिन में जवाब दाखिल करता है तो इस अवधि को 12 की जगह 15 दिन की जा सकती है। अगर रिपोर्ट को राज्य सरकार स्वीकृत कर देती है तो इसे 7 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को भेजना होता है। इसमें इस बात का जिक्र करना आवश्यक है कि किस आधार पर यह आदेश जारी किया गया और राज्य सरकार का इस पर क्या विचार है और यह आदेश क्यों जरूरी है। गिरफ्तारी के आदेश। CCP 1973 के तहत जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश जारी किया जाता है उसकी गिरफ्तारी भारत में कहीं भी हो सकती है। गिरफ्तारी के नियमन की शक्ति। गिरफ्तारी के आदेश का नियमन किसी भी व्यक्ति पर किया जा सकता है। उसे एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। हाँ, संबंधित राज्य सरकार के संज्ञान के बगैर व्यक्ति को उस राज्य में नहीं भेजा जा सकता है। गिरफ्तारी की वैधता के आधार। गिरफ्तारी के आदेश को सिर्फ इस आधार पर अवैध नहीं माना जा सकता है कि इसमें से एक या दो कारण, एक अस्पष्ट हो, दो उसका अस्तित्व नहीं हो, 3 अप्रासंगिक हो, 4 उस व्यक्ति से संबंधित नहीं हो। इसलिए किसी अधिकारी को उपरोक्त आधार पर गिरफ्तारी का आदेश पालन करने से नहीं रोका जा सकता है। गिरफ्तारी के आदेश को इसलिए अवैध करार नहीं दिया जा सकता है कि वह व्यक्ति उस क्षेत्र से बाहर हो जहां से उसके खिलाफ आदेश जारी किया गया है। फरार होने की स्थिति में शक्तियां। अगर वह व्यक्ति फरार हो तो सरकार या अधिकारी, एक, वह व्यक्ति के निवास क्षेत्र के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को लिखित रूप से रिपोर्ट दे सकता है। 2 अधिसूचना जारी कर व्यक्ति को तय समय सीमा के अंदर बताई गई जगह पर उपस्थित करने के लिए कह सकता है। 3 अगर वह व्यक्ति उपरोक्त अधिसूचना का पालन नहीं करता है तो उसकी सजा 1 साल और जुर्माना या दोनों बढ़ाई जा सकती है। सलाहकार समिति का गठन। 1 इस अधिनियम के उद्देश्य से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आवश्यकता के अनुसार एक या एक से अधिक सलाहकार समितियां बना सकती हैं। 2 इस समिति में 3 सदस्य होंगे जिसमें प्रत्येक एक उच्च न्यायालय के सदस्य रहे हों या हो या होने के योग्य हों। समिति के सदस्य सरकार नियुक्त करती है। 3 संघ शासित प्रदेश में सलाहकार समिति के सदस्य किसी राज्य के न्यायाधीश या उसकी क्षमता वाले व्यक्ति को ही नियुक्त किया जा सकेगा। नियुक्ति से पहले इस विषय में संबंधित राज्य से अनुमति लेना आवश्यक है। सलाहकार समिति का महत्व। 1 इस कानून के तहत गिरफ्तार किसी व्यक्ति को 3 सप्ताह के अंदर सलाहकार समिति के सामने उपस्थित करना होता है। साथ ही सरकार या गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को यह भी बताना पड़ता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया। सलाहकार समिति उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर विचार करता है या वह नए तथ्य पेश करने के लिए कह सकता है। सुनवाई के बाद समिति को 7 सप्ताह के भीतर सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। तो सलाह बोर्ड को अपनी रिपोर्ट। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद की